में कामयाब होने के लिए याद रखिएगा, ये मायने नहीं रखता है कि आपने कितना किया, मायने ये रखता है कि आप कितना कर सकते थे। जब लंका में पुल बनाया जा रहा था पत्थरों को जोड़ जोड़ कर सीता माँ को लाने के लिए, तो बंदरों के साथ साथ गिलहरियाँ भी वहाँ पत्थर भर रही थी, तो इन सबसे कितना पत्थर ही उठेगा। एक बंदर आया तो उठा के फेंक दिया गिलहरी को, भाग यहाँ से थोड़ा इतनी पत्थर बीच में ला रही, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पास में जाके गिलहरी गिरी। तो गिलहरी को वो प्यार से सहलाए थे, तो ऐसा कहा जाता है कि इस पे जो निशान है गिलहरी के पीठ पे वो राम जी का। राम जी ने उस बंदर को बुलाया और कहा कि देखो तुम इतना विशाल पत्थर उठा रहे हो तो तुम्हारा शरीर भी विशाल है, ये गिलहरी इतना बड़ा पत्थर उठा रही है जितना इसकी क्षमता है। तो आप अगर कामयाब होना चाहते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप हमने आज 8 घंटे पढ़ लिए या 8 घंटा हम मेहनत किए, आप ये सोचिए कि आप कितना कर सकते थे। और देखिए जो सपने देखते हैं उनके लिए तो पूरी रात छोटी पड़ जाती है, और सपने पूरे करने वाले के लिए पूरा दिन छोटा पड़ जाता है। अगर आपके अंदर जिम्मेदारी है ना, तो आप